हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पूर्णिमा में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिजौरी। बिजौरी छत्तीसगढ़ में बनाया जाने वाला डिश है। इसे चावल के साथ खाते हैं। ठंड में जब रखिया जिसे पेठा कहते हैं उसकी बड़ी बनाते हैं, तो उसमें से जो बीज निकलता है उस बीज को उड़द के दाल में डालकर बनाते हैं, इसे ही बिजौरी कहते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे बनाकर हम अच्छी तरह से इसे सुखाकर हम साल भर तक के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए, इसके लिए सामग्री चाहिए। ये उड़द की दाल है, ये आधा किलो है, और ये है लाई। लाई हम इसलिए डालते हैं क्योंकि यह नरम, इससे नरम बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। और यह है तिल। लाई आधा किलो है तो एक पाव इसमें लाई डालते हैं, और एक पाव या डेढ़ पाव आप इसमें तिली डाल सकते हैं, तो इससे क्या सॉफ्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से 6 घंटे के लिए दाल को भिंगो देंगे। भिंगाने के बाद हम इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखो, इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और लाई है, लाई को भी हम 3 घंटे के लिए पानी में भिंगा कर रख देंगे। उसके बाद पानी से निकाल कर हम इस चलनी में उसे छान लेंगे और उसका पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, ये है लाई। इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे, मैश कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको इसको अलग अलग अच्छे से फेंट लेंगे दाल को। इसको बहुत ही अच्छे से फेंटेंगे तभी इसमें नरम आएगा, नहीं तो क्या है कड़े हो जाते हैं। इतना फेंटेंगे इसमें कि बिल्कुल जैसे मक्खन जैसे सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम 5 मिनट तक के देखिए, हम इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंक लिए हैं। अब इसमें हम मैश किया हुआ लाई डालेंगे। ये देखिए, इसके दोनों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसको फिर हम इसको 5 मिनट के लिए फिर अच्छे से फेंक लेते हैं। देखिए, हम इसको 10 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। जितना हम फेंटेंगे उतना इसमें नरम होगा, अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो क्या है कड़े हो जाते हैं। तब इसको हम सबसे पहले हमें इसे पानी में टेस्ट करके देखेंगे। ये ग्लास है, देखिए हम इसको हम डालते हैं इसमें। ये देखिए, ऊपर तैरने लगे हैं, तो समझ लो ये फिट चुका है। अब इसमें हम तिल को डालते हैं। और ये है, और बिजौरी में डालने के लिए चाहे अन्य सामग्री है, ये है मिर्ची है, हरी मिर्च है। इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लिए हैं इस तरह से। और यह है धनिया है, धनिया को भी हम इमामदस्ते में हल्का सा कूट लिए हैं, इसमें हल्का सा कूट लिए हैं। और जीरा को भी, ये है जीरा को भी हमने इसको हल्का सा कूट लिए हैं। और ये है रखिया का बीज, और ये है हींग, और ये है करी पत्ता। ये करी पत्ता है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। और नमक, अब इसमें हम डालते हैं हरी मिर्च, ये अपनी आवश्यकता अनुसार डालेंगे। बाकी अच्छी मिर्ची डालो तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा मिर्ची मतलब लगता है इसमें सूखने के बाद। दिया और इसमें नमक और थोड़ा मिर्ची
अच्छा रहे तो फिर टेस्ट अच्छा आते हैं। और चाहिए इसमें ये है धनिया, खड़ा धनिया, उसको हल्का सा इमाम दफ्ते से कूट लिए हैं। और इसमें चाहिए 2-3 चम्मच जीरा, जीरा को भी हल्का सा कूट लेंगे। और ये करी पत्ती है, मीठा पत्ती, इसको बारीक बारीक काट कर और यह हींग है, हींग से अच्छा स्वाद आता है। और ये रखिया का बीज है। और यह नमक है, नमक में दाल को पीसते समय नमक डालकर पीसो तो फिर जल्दी जल्दी से ग्राइंड हो जाता है, दाल पिसा जाता है। तो मैं दाल को पीसते समय नमक डालकर पीस चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं सभी सामग्री को। अब इसको हम थोड़ा सा इसको हम तेल में डाल के हम इसको थोड़ा सा तल के देखेंगे इस टाइप का। इसमें नमक को देखेंगे, नमक मिर्च ठीक है कि नहीं। इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, तो मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डालती हूँ। इसे पर्रा कहते हैं। इसमें ही बड़ी और बिजौरी बनाया जाता है। इसमें हम काटन का कपड़ा बिछा देंगे या फिर ये गेहूं या चावल का जो बोरी रहता है ना, उसमें हम इस तरह से बना लेते हैं। उसके बाद इसका से बोला इस पर दे, ये चूड़ी है। चूड़ी में डालने से क्या होता है, सबकी साइज एक समान बनती है। साइज उसका भिजौड़ी का दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और साइज भी एक समान बनता है और फटाफट जल्दी जल्दी बनती है। इस प्रकार हम इसको बना लेते हैं। इसको दूरी से हटा के फिर इसको ऐसे बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। देखिए इस तरह हम सभी को बना लेते हैं। देखिए बन चुका है ये। इसको बस हटा लेंगे। पिछले बार ये बना चुके थे, सूख चुका है। इसको हम तल के बताते हैं आपको कैसे तलना है। इसको धीमी आंच में तलेंगे इस तरह से, ज्यादा नहीं तलेंगे। देखिए इस तरह से तलेंगे। इसको पलट पलट के देखिए हमारा भिजौड़ी बनकर तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ आप भी इसे जरूर बनाएंगे और आपको मेरा यह रेसिपी अवश्य ही पसंद आएगा। यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस जरूर करें जिससे मेरा नया वीडियो आप देख सकेंगे। Thank you.